बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी और सूबाई असेंबलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असेंबली के 5 हलकों में 47 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब असेंबली की 12, बलूचिस्तान और KP के 2-2 नशस्तों पर दंगल होगा। बलूचिस्तान के 1 हल्के में रीपोलिंग। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के लिए फौजी एहलकार भी तैनात। फोर्सेज के एहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज एहलकारों के लिए जाब्ता अखलाक जारी। पुलिस पहले, सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, फौजी जवान तीसरे दर्जे में तैनात। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारे से बातचीत मस्बत रही। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। IMF, वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी तआवुन जरूरी है। मुआशी बहाली के लिए दुरुस्तम सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना होगा। डेरा इस्माइल खान में कस्टम एहलकारों पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 कस्टम एहलकार जख्मी। पुलिस और फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। 18 अप्रैल को भी हमले में 5 कस्टम एहलकार शहीद हुए थे। और कराची खियाबाने जानबाज में दोस्तों के दरमियान खूनी झगड़ा। मुल्ज़िम फहद खान ने गाड़ी का पीछा करके हमायूं को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद गोलियां चलाई, गाड़ी छलनी हो गई, 15 खौल मिल गए। अलाई साहब ने जानी A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।